Okay, uh starting off from embryology the first twenty-two points in a embryo so mark them with you okay? the first twenty-two points are from embryology. ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट नंबर वन द थ्रू पुसिस अकर्स इन द मिडिल ट्राइमेस्टर मेनली फ्रॉम लिवर अच्छा बस जब बम सी क्यू आए कि बेबी के बीच में जो मेनली मिडिल ट्राइमेस्टर में ब्लड कहाँ से फॉर्म हो रहा है तो दैट इज़ लिवर ठीक है एम्ब्रियोनिक पीरियड यहाँ देख लो थ्री टू एट वीक्स जो है इसमें योग साग बना रहा है ठीक है फिर सिक्स वीक्स पे जो है वो लिवर गेट्स फंक्शनल ठीक है और इवेंचुअली बाई एट वीक्स इट बिकम्स ये योग साग चला जाता है तो फिर लिवर ही मेन होता है ठीक है फिर बर्थ तक लिवर इज मेकिंग ब्लड से ये टेन टू ट्वेंटी एट वीक्स पे स्प्लीन आता है बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना मेजर नहीं है फिर एटीन वीक्स से बोन मैरो मैच्योरिंग से ये और फिर एडल्ट लाइफ तक ठीक है ये बोन मैरो मेक्स द ब्लड सही है इट्स ऑल बेसिकली क्रामिंग सही है इसमें मतलब रटा है और कुछ भी नहीं है ठीक है फिर एच बी फॉर्म बाई योग साक इज़ गोवर्ड एच पी ठीक है गोवर्ड एच पी का फॉर्मूला इफ यू वॉन नो इट्स जीटा टू एप्सलॉन टू ठीक है और एच बी ई गोवर वन और ये सिर्फ एम्बियोनिक लाइफ में एग्जिस्ट करता है एज यू नो फॉर्म बाय द योग साक ठीक है और बहुत अनस्टेबल होता है इट ब्रेक्स डाउन ठीक है अच्छा अब इसमें आगे और कुछ भी नहीं है अच्छा अब फीटल पीरियड पे आ जाते हैं ठीक है फ़ीटल पॉइंट नंबर टू फीटल पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर व्हिच वीक ये एटथ वीक पे स्टार्ट होता है ठीक है अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिसटेसनल एज है ना पहले ये समझो ये जस्टेशनल एज जो हम काउंट करते हैं आया, आपने तो खैर गायनी वार्ड में काम नहीं किया लेकिन जस्टेशनल एज भी काउंट एज के मतलब इसके कितने थर्टी फोर वीक्स प्लस थ्री है थर्टी फाइव वीक्स प्लस सिक्स है तो वो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड से लेके आज की डेट तक काउंट करते हैं जिस दिन पेशेंट हमारे पास प्रजेंट करता है ठीक है कि उसके पहले जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ था बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट उसका पहला दिन कौन सा था पहला दिन फर्स्ट डे इज द डे जिस पे मेंस्ट्रुएशन बिगिंस सही है फर्स्ट डे ओके टू द करंट डे ठीक है अच्छा जेस्टेशनल एज तो ये हो गया सही है अब नीचे आओ पहले ये समझो कि फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शनल एज क्या होती है ठीक है देखो ओव्यूशन जो है वो फोटीन डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ एलम्पी होते है जिस दिन मेस्ट्रेशन uh, स्टार्ट होती है उसके बाद फोटी अगर आप ट्वेंटी एट्थ डे का साइकिल कंसिडर करो तो फोटीन डे पे आपके पास ओव्यूलेशन होती है उसके बाद सारा जो फेज़ होता है वो ल्यूटियल फेज़ होता है ठीक है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है याद द कॉर्पस ल्यूटियम सही है खैर लिविंग दैट एज ओव्यशन अगर इस डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ एलम तो फर्ट एम्ब्रियोनिक एज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ कैलकुलेटेड फोटीन डेज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ एल समझ आ गया इसको फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शनल एज भी कहते हैं ठीक है क्यों 14 डेज आफ्टर करते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन 14 दिन बाद हुई है लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा पीरियड होता है ठीक है वो 3 टू 8 वीक्स का पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो इज फॉर्मिंग सही है तो पहले दो वीक्स कहाँ गए अब पहले दो वीक्स जो हैं फर्स्ट टू वीक्स आफ्टर कंसेप्शन आर द जर्मिनल स्टेज जिसमें सेल इज डिवाइडिंग भी नो के पहले ओविलेशन हो जाती है फिर उसके बाद क्लीवेज का स्टेज आता है जिसमें सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग विदाउट चेंजिंग माइटोसिस होता रहता है ठीक है और वो मॉरूला बॉल्स ऑफ सेल बनाता है फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है ठीक है तो इम्प्लान्टशन होती है जब तो उस स्टेज को जो सेल इज़ डिवाइडिंग क्लीवेज वो जर्मिनल स्टेज है ठीक है फिर थर्ड वीक से जाकर जो है फिर हम इम्ब्रियनिक फेज पे आ जाते हैं ठीक है थ्री टू एट वीक इज़ इम्ब्रियनिक पीरियड और फीटल पीरियड एट्थ वीक ऑनवर्ड या नाइन्थ वीक ऑनवर्ड यू कैन कंसिडर इट इज़ द फीटल पीरियड सही है ठीक है अच्छा ये पॉइंट हो गया नाउ कमिंग आउन टू पॉइंट नंबर थ्री ओके एट विच स्टेज न्यूक्लियस डिसअपेयर्स सही है लेट नॉर्मो ब्लास्ट सही है ये एम सी क्यू आया है पास पेपर से इन्होंने उठाया नाउ द स्टेजेस ऑफ एथ्रो पहला स्टेज जो है साइटोब्लास्ट है उसमें कोई इन्होंने मेन इवेंट नहीं दिखा हुआ इसका मतलब है कि बस एक बॉल ऑफ सेल सा है ठीक है ओके सॉरी ओके फिर है हमारे पास प्री नॉर्मो ब्लास्ट ऑल्सो नोन एज प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट सही है इसमें सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है ठीक है लेकिन जब भी एम सी क्यू में आएगा कि एच बी सिंथिस कहाँ पर स्टार्ट होता है तो यू हैव टू प्रेफर अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट ऑल्सो नोन एज बेजोफिलिक एरिथ्रो ब्लास्ट सही है इसको बेजोफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड राइबोसोम्स टेक द स्टेन ऑफ बेजोफिलिक स्टेन लेते हैं ठीक है बेसिक होते हैं वो सही है अच्छा फिर जो है इसमें अच्छा कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट ब्लास्ट इसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई दोनों आपके पास प्रेजेंट हैं ठीक है अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई आपसे चला जाएगा न्यूक्लियोलाई चला जाएगा राइबोसोम्स बाहर हैं सारे आपके पास क्रोमोटेन मटीरियल जो है बाहर है, में है। तो बेजोफिलिक्स स्टेन है ठीक है

मूविंग ऑन टू इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट जिसको पॉलीक्रोमैटिक भी कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक का मतलब ये कि बेसिक और एसिडिक दोनों स्टेन लेगा क्यों बेसिक और एसिडिक दोनों लेगा क्योंकि बेसिक तो लेगा राइबोसोम की वजह से एसिडिक अब कहाँ से आया एच बी सिंथिसाइज यहाँ पर शुरू हो रहा है ठीक है लेकिन एच बी जो प्रोमिनंट uh, हो जाता है ना साइटोप्लाजम के अंदर इट स्टार्ट शोइंग इट्स प्रेजेंस वो जो है और इट स्टार्ट मच्योरिंग इनफ तो वो इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में होता है तो एफिनिटी ऑफ द सेल टू एसिडिक प्लस बेसिक स्टेन्स हो जाता है क्योंकि एज बी जो है इट विल टेक अप द एसिडिक स्टेन्स सही है हीमोग्लोबिन ठीक है तो इसको ऑल्सो नोन एज पॉलीक्रोमैटिक रिथ्रोब्लास्ट सही है फिर लेट नॉर्मल ब्लास्ट ऑल्सो नोन एज ऑर्थो सॉरी ऑर्थोक्रोमैटिक एरेथ्रोब्लास्ट सही है इसमें न्यू फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मल ब्लास्ट न्यूक्लियस विल डिसअपेयर सही है न्यूक्लियस डिसअपेयर्स मैक्सिमम एज बी प्रोडक्शन ठीक है मैक्सिमम एज बी प्रोडक्शन इसमें हमारे पास होती है फिर रेटिकुलर साइट में क्या होता है कि बेसिकली जिसका मेन इवेंट है ना वो ये है कि हमारे पास रेटिकुलर नेटवर्क आ जाता है ठीक इस है इसलिए इट इज़ नोन एज द रेटिक्यूलोर साइट ठीक है आज अब इसमें लिखा है मैक्सिमम एज बी कंसंट्रेशन और इसमें लिखा है प्रोडक्शन तो वॉट इज दिस देखो अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपयर हुआ है इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस इसको डिसअपेयर नहीं इसको डिसंटीग्रेट लिखना चाहिए था जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिसंटीग्रेट हो जाता है लेकिन होता वो सेल के अंदर ही है ठीक है तो एच बी इज नॉट टेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस स्पेस ठीक है कुछ स्पेस इसने भी लिया हुआ है ठीक है तो जब ये इजेक्ट न्यूक्लियस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो सारा न्यूक्लियर मटीरियल है इसको सेल कर देता है बाहर थ्रो इसके बाद जो है एच सिर्फ सेल का साइटोसोल रह जाता है उसमें रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और सिर्फ एच बी रह जाता है तो दिस इज द मैक्सिमम एच बी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ रही है ठीक है अच्छा फिर रेटिक एरिथ्रोसाइट uh, में रेटिकुलम डिसपेयर होगा और सेल विल अटेन इट बाईक आर बी सी की जो शेप है वो बाइक है ठीक है अच्छा अब न्यूक्लियस डिसअपेयर इन विच स्टेज ये मैंने स्पेशल हाईलाइट किया हुआ है लेट नॉर्मल ब्लास्ट न्यूक्लियोलाइ जो है वो अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट बस ये याद रखो कि दोनों नॉर्मल ब्लास्ट में डिसअपेयर हो रहे हैं न्यूक्लियोलाई छोटा है ना पहले होगा अर्ली में न्यूक्लियस बड़ा है लेट होगा लेट नॉर्मो ब्लास्ट में ठीक है एच बी सिंथिस आकर इन अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट मैक्मम एच बी कॉन्सेंट्रेशन इन विच स्टेज ऑफ रिल्रो ब्लास्टोस ठीक है कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ है तो रेटिक्यूलोसाइट आएगा हमारे पास सही है फिर प्रोडक्शन जब आएगा तो लेट नॉर्मो ब्लास्ट उसमें मैक्सिमम इसके बाद बनता नहीं है ठीक है बस यहाँ पे बनकर ख़त्म हो गया और नहीं बन रहा ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम इसने बस अचीव कर लिया अपना ठीक है इच वी बिगेन्स टू अपेयर इन विच स्टेज इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट सही है इट विल स्टार्ट टू अपेयर ठीक है जहां पे पॉलीक्रोमेटिक हो आप सोचो कि जहां पे इस ये अपना स्टेन देना शुरू करेगा ना तो वहां पर ये अपेयर होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो पॉलीक्रोमैटिक इससे पहले सिर्फ बेजोफिलिक था जहां पे पॉलीक्रोमैटिक हुआ है इसका मतलब एसिडिक स्टेन आना शुरू हुआ है तो इट बिकेन्स टू अपेयर इन इंटरमीडिएट नॉर्मल प्लास्ट अच्छा अब लोएस्ट एज भी इन न्यू बॉर्न इज एट विथ स्टेज थर्ड मंथ ये सेकेंड टू थर्ड मंथ इन न्यू बॉर्नस में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है क्यों होता है क्योंकि uh, हमें पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है वन ट्वेंटी डेज ठीक है तो ओल्ड आर बिगिन टू लाइज ठीक है और बोन मैरो अभी इतना मेच्योर हो गया है लेकिन इतना नहीं है कि वो फुल स्पीड के साथ फॉर्म करे ठीक है तो इट इज़ स्लोली फॉर्मिंग द न्यू वंस तो नए वालों की स्पीड आने की कम है और पुराने वालों की जाने की ज़्यादा है तो इस वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया या लोएस्ट एज बी न्यू बॉर्न के एज में होता है थर्ड मंथ जब कि उसकी फीटल लाइफ के जो एज बी जो उसने रेड ब्लड सेल्स फीटल लाइफ में तो ज़्यादा फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द हाईपॉक्स ठीक है तो जब वो लाइस होना शुरू हो जाते हैं ठीक है और नए अभी उतनी स्पीड पर नहीं बन रही क्योंकि अब तो वो हाइपोक्सिया नहीं है तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है ठीक है ओके नाउ पॉइंट नंबर फोर इट्स द इट्स इजी ठीक है ये भी सिर्फ रटा ही है सॉरी लेट मी से द स्क्रीन ठीक है ओके ब्रेथ के स्पाउच डिवेलप फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ फोर गट सही है अच्छा अब इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एडीनो हाइपोफाइसिस है इट इज इसका दूसरा नाम है ठीक है डिवेलप्स फ्रॉम द रेथ के स्पाउच सही है विच इज एन एक्टोडर्मल डायवर्टिक्युलम ऑफ द प्रिमेटिव माउथ कैविटी स्टोमोडियम ठीक है इंटीरिप्यूटरी ग्लैंड इज डिराइव फ्रॉम रेडकेस पाउच डिवेल फ्रॉम द इंटीरपीटूटरी ग्लैंड आउट पाउचिंग ऑफ द स्टमोडियम अब इसमें सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इफ बोथ इन द ऑप्शन आउट पाउचिंग फ्रॉम स्टोमोडियम को प्रेफर करना है ओवर रेडकेस पाउच ओके लेट मी शो यू एम्ब्रियो की एक पिक्चर हेयर अच्छा ये देखो ये एक एम्ब्रियो का लैटरल व्यू है वीक फोर पे ठीक है ये क्या है ये चीज है स्टोमोडियम ठीक है और ये ऊपर न्यूरल ट्यूब आ रही है ये आई बल्ज यही जगह है ना माउथ की इसकी ये जो आउट पाउचिंग आती है ना ये बनाएगी हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस ठीक है दिस इज टमोडियम और ये इसकी आउट पाउचिंग बनाएगी ठीक है ये हो गया पॉइंट फोर और वीडियो के हो गए टेन मिनट्स कंप्लीट सही है सो आई एम इन वीडियो ओके